24 न्यूज लाइव। विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने जताई खुशी, ग्राम प्रधान की जमकर हुई प्रशंसा। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के सहदुल्लाहपुर के ग्राम प्रधान सत्येंद्र चौहान अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को कराकर सुसज्जित करने की नींव की पहल में जुटे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब से उन्हें ग्राम पंचायत का बागडोर मिला है, तब से ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं मीडिया की टीम ने जब ग्राम वासियों से बातचीत की तो गांव के लोग ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों से काफी संतुष्ट दिखे और उनकी जमकर सराहना किया। बातचीत के दौरान ग्राम प्रधान ने बताया कि बीते वर्षों से जो भी गांव की समस्याएं थी उनको ध्यान में रखकर हम विकास कार्यों को कराने में जुटे हुए हैं। जिस प्रकार जनता ने हम पर विश्वास जताया है उसको लेकर हम खरा उतरने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अपने ग्राम पंचायत को सुसज्जित व सुविधाजनक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है, ग्राम सभा फतनापुर का मैं वर्तमान प्रधान हूँ। अच्छा, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं? जी। जैसे आप यहाँ ग्राम प्रधान हुए हैं, तब से क्या क्या विकास कार्य गांव में हुआ है आपके? देखिए, सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर विकास कार्य मेरा सहयोग किया है। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ 70 सालों में पहली बार जो है कि जनता ने सूझबूझ का प्रधान बनाया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरे से संभव हो सका अभी तक मैंने कार्य प्रयास किया हूँ। जैसे अभी देखो, पंचायत भवन हमारे ग्राम सभा में नहीं था, मैंने उसका निर्माण करके ये समझ लीजिए 8 महीने में उसको तैयार करवा दिया। उसके बाद जो है कि अभी आप देखेंगे हमारे सदुल्लापुर में एक बहुत विशाल गेट बना हुआ है, ये मेरे कार्यकाल में बना हुआ है। और सदुल्लापुर से जैसे आएंगे इंटरलॉकिंग 200 मीटर इंटरलॉकिंग, जिसमें लगभग 10 लाख का बजट था, उसको मैंने करवाया है। और इधर कम से कम ये समझ लीजिए कि चकबंद जो कच्चा काम होता है, 7 से 8 चकरोट पे फेंकाए हुए हैं। और 7 से 8 नालियाँ जो लंबी 100 से 150 मीटर 200 मीटर के लगभग थी, ठीक है, अभी 2 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, वो सारी बना। क्योंकि अभी पूरे 5 साल में आप अगर पता करेंगे तो 5 साल में 7 नालियाँ नहीं बनी थी, और मेरे कार्यकाल में 2 ही साल हुआ है 7 नालियाँ बनी हुई है। कुछ थोड़ा बहुत काम अधूरा रह गया है, अभी मेरे पास समय भी है। ठीक है, तो मैं अपना स्मार्ट विलेज जो है बनाने का प्रयास मेरा है, अभी मेरा बहुत लक्ष्य है, मेरा बहुत सपना है, और उसको मैं अगर जनता का आशीर्वाद रहा, प्यार दुलार रहा, तो 3 साल के अंदर मैं उसको पूरा करूँगा। क्योंकि सब टेक्नोलॉजी सिस्टम मेरा रहेगा, जैसे गाँव में देखो चोरियाँ बहुत होती हैं, और गेट पे सीसीटीवी कैमरा, गांव में कुछ जगह सीसीटीवी कैमरा इस तरह का लगेगा। दूसरी बात, अभी हमारा जो है यहाँ सदुल्लापुर में अभी एक ज़मीन है जो कि डी स्थान है, वहाँ पे हमारा मनरेगा पार्क बनने जा रहा है, और वो मनरेगा पार्क शायद अभी कभी आपको बुलवाया जाएगा, बहुत ऐतिहासिक पार्क होगा, वहाँ पर हर सुविधाएँ होगी, यहाँ तक कि बच्चों को जो कि खेल कूद और जो कि जैसे बच्चे दौड़ते उड़ते हैं, और उसके जो कि किनारे किनारे राउंडिंग रहेगा, इंटरलॉकिंग रहेगी, पार्क भी रहेगा उसी में, और हमारा सपना है कि उसमें जिम का भी सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, फ्लोवर रहेगा उसी में, एक गड्ढा भी रहेगा मनगढ़ाई जो टाइली कलर होगा, उसमें फुहारा सिस्टम है। तो सपना मेरा, लक्ष्य बहुत है, अब देखो मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। तो आपके द्वारा चुनाव में कुछ वादे किए गए थे, आपने उस पर कितना खरा उतरे? मैं अभी तक उस वादे के 50% तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, और 50% रहा भी, मेरे पास समय भी है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो भी वादे मैं जो है अपने कार्यकाल में पूरा कर दूंगा। अधिकांश देखे जाते गांव में आवास की समस्या, क्या आपके गाँव में समस्या दिख रही है, इस पर क्या कहना? हाँ, आवास की समस्या हमारे यहाँ तो पूरे 5 साल में नहीं आवास आया, हमारा भी 2 साल कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि आगे से अभी आवास का कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। ठीक है, बीच में अभी सुनने में आया था कि जितने जो है कि आवास वाला से पेंडिंग पड़ा हुआ, पहले उसको बनवाने के बाद नया आवास आएगा, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है, अभी ब्लॉक से भी कोई जो है जियो टैग ना कोई अभी सूचना नहीं मिल पा रही है। जैसे इस टाइम आपको पता होगा, जैसे डेंगू मलेरिया तमाम बीमारियां तेजी से फैल रही है, इसको लेकर सरकार सख्त है और पूरी तरह से अभियान चला रही है, इसको लेकर आपके गांव में मैं सफाई कर्मी को पूरा अलर्ट कर दिया हूं, हमेशा जो उनकी मीटिंग लेता हूं कि कहीं पानी इकट्ठा ना होने पाए। ठीक है, और कोई समस्या नाली साली होते हैं तुरंत बुलवा के, अगर जहां मुझे संज्ञान में रहता है उनको मैं तुरंत साफ करवाता हूं, और मैं पूरे ग्रामवासियों को भी सूचित कर दिया हूं, अगर कोई भी नाली पानी रुक रहा है, कुछ भी रुक रहा है, तो मैं सफाई कर्मियों का नंबर भी मैं जारी कर दिया हूं, आप तुरंत बुलवाइए, अगर नहीं सुनते हैं तो आप मुझसे शिकायत करिए, मैं उनको तुरंत तत्काल।
भेजूंगा वहाँ पे। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है? हाँ, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, पूरे ग्राम सभा को सबको सूचित किया हूँ कि आपका सबका अधिकार है, आपको साफ सुथरा करवाना, क्योंकि सरकार उनकी तनख्वाह देती है। अब जब देखिए, सफाई कर्मी हमारे ग्राम सभा में कोई नहीं था, दो सफाई कर्मी थे, वो भी बहुत मनमानी कर रहे थे। मैंने कैसे कैसे करके अपने चारों मौजा में सफाई कर्मी का नियुक्ति करवाया हूँ, ठीक है। अब हमारे ग्राम सभा में चार मौजा हमारे पास है। अभी तक कोई डेंगू का मरीज मिला है क्या? नहीं, हमारे यहाँ भी कोई डेंगू का मरीज नहीं मिला है। हाँ, क्षेत्रवासियों से जैसे क्या अपील करना चाहते हैं अभी आप? हम क्षेत्रवासियों से बस यही अपील करना चाहते हैं, आप हमारे विकास कार्यों में सहयोग करते रहें, और आप वो नहीं जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो हम 5 सालों में करके दिखाएंगे। विकास कार्यों में कुछ बाधा होती है ब्लॉक से? बाधाएं तो देखो, जब कोई कार्य प्रगति पर रहता है और काम जो कोई करने का लक्ष्य बनाता है तो बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन इतना है कि सबका सहयोग रहता है, उससे निपटने का भी प्रयास रहता है, और जो जिस काम में हाथ लगाते हैं उसको पूरा भी करते हैं। क्या नाम आपका है? राम समुद्र चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? सदुल्लापुर। अच्छा, आपके गांव में जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कैसा कार्य कराया जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं हम, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो काम हमारा हुआ है। जी अच्छा, गांव में क्या क्या कार्य कराए गए हैं? नाला बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग लगवाए हैं, वहाँ गेट बनवाए हैं, सब पोल पर लाइट लगवाए हैं, CCTV कैमरा लगवाए हैं इधर है, और बाकी थोड़ा कुछ काम है, वो भी अभी समय भी है इनके पास। अभी हम वृद्धा पेंशन के लिए गए थे जनसेवा पर, तो हमारा ग्राम सभा को दिखा नहीं रहा उस पर नेट पर। जी तो अभी नेट पर दिखाएगा तभी बनेगा, जब पीछे से नहीं दिखा रहा। जो भी गाँव में कोई समस्या होती है आप लोग ग्राम प्रधान से कहते हैं? ग्राम प्रधान से करते हैं, वो सुनते भी हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, एक आवाज पर दौड़े जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग संतुष्ट हैं उनके? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। कोई शिकायत नहीं, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जीवन भर यही रहे प्रधान। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका है? अनिल चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? सदुल्लापुर। अच्छा, आपके गांव के जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा कैसा कार्य कराया जा रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। संतुष्ट हैं आप उनके कार्यों से? जी, बहुत संतुष्ट। कोई जैसे शिकायत उकायत कभी रहती है आप लोग कहते हैं तो सुनते ना है कि नहीं? जी सुनते हैं। सुनते हैं जी। कोई समस्या आपकी पर्सनल जिसे आपने कभी कहा और सुने नहीं? वो नहीं सुने हैं। सुने हैं? हाँ। कोई समस्या आपकी है? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? ठीक, वही लाए, अब तो प्रधान के हक में है नहीं वो, अब ऊपर से जो इसके पहले जो प्रधान थे आपने उनसे कहा था कभी? जी हाँ कहा था, वो फार्म वार्म भी भर के दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अभी जो नए प्रधान उनसे आपने कहा है? कहा है लेकिन अभी वो बोलते हैं ऊपर से नहीं आ रहा है। ऊपर से जब आएगा तो मिलेगा। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम आपका है? सुनीता चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? सदुल्लाचर। अच्छा, आपके गाँव में ग्राम प्रधान द्वारा कैसा कार्य कराया जा रहा है? बहुत अच्छा। संतुष्ट हैं आप? जी। कोई गाँव में ऐसी समस्या जिसे आपने ग्राम प्रधान से अवगत कराया और पूरी नहीं हुई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। नहीं। और गांव में कौन कौन सा कार्य हुआ है? बहुत सारे कार्य हुए हैं। गांव में कोई प्रमुख समस्या कोई है? जैसे समस्या जैसे नाली बनी है, ये सड़क पे ईटा बिछवाए हैं और लाइट लगवाए हैं। हाँ, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बाकी थोड़ा बड़ा कमी हो, आगे पूरा हो जाएगी। आगे पूरा? आप लोग जैसे ग्राम प्रधान से कहते हैं तो वो कहते हैं पूरा करने के लिए? जी कहते हैं। आप लोग संतुष्ट हैं उनके? जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। नहीं। क्या नाम आपका है? बिमला चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? सदुल्ला चंद। ये आपके गांव में जो विकास कार्य जैसे ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है उससे संतुष्ट हैं? हाँ। कोई समस्या आपकी है जैसे आप ग्राम प्रधान से कभी कहें आपने और उनको सुने नहीं? नहीं, जवन काम कहे वो खुद सुना था प्रधान। अच्छा, आप जो कहते हैं वो सुनते हैं? हाँ, जवन मतलब दूसर प्रधान कब होना कहीं ना होता ना कहीं के, तो अब दिखा देना आगे क्या करिए। जो आपके गाँव में सचिवालय बना है, पहले आप लोगों को ऑनलाइन करने के लिए दूर यायाजत के लिए दूर जाना था, तहसीलों से जाना था, अब कैसी सुविधा मिल रही है? अब तो ना निर्मा जाए के पड़ता, लम्बे ना सुविधा जाए। वहाँ बैठती हैं पंचायत सहायक? ना पंचायत सहायक ना बैठत नहीं, मतलब जहाँ पंचायत सहायक तो बैठत नहीं है। संतुष्ट हैं आप लोग ग्राम प्रधान के कार्यों से? हाँ, प्रधान के अच्छे से संतुष्ट।